टुंग टैंक टुंग टैंक टुंग टैंक टुंग टुंग ब्लू। वेलकम ब्लू लोगो। तो आज फाइनली मैं 10 दिन बाद नहाने जा रहा हूँ, बहुत हिम्मत जुटाई है मैंने। और अभी तो फिर भी ठंड कम है, धीरे धीरे ठंड बढ़ेगी तो 15-20 दिन महीने 2 महीने तक नहीं नहाएंगे। ओ इतने में तो ठंड ही चली जाएगी। खैर मैं तो फिर भी नहीं नहाता हूँ। तो आज अपन इस ब्लॉग में जाएंगे इरेंगल, तो जल्दी से तैयार होके आता हूँ, फिर अपने लल्लू यानी मियाँ भाई अपन को घर से उठा के इरेंगल घुमाने ले जाएंगे। सुना है पबजी इंडिया वापस आ रहा है। और माताश्री क्या हो रहा है? दिख नहीं रहा, टीवी देख रही हो? अरे मेरा लल्ला लिया। हाँ माता जी। कहीं जा रहा है क्या? हाँ इरेंगल घूम के आ रहा हूँ। तो ये कैमरा लेके क्यों घूम रहा है? मम्मी व्लॉग बना रहा हूँ, व्लॉग। क्या क्या बनने लगा है आजकल? कुछ खा पी तो जा। नहीं नहीं, वहीं जाके एनर्जी ड्रिंक पी लूंगा ब्लू। अरे ब्लू एक नखरा ली देना। मुंह खराब है माउथ फ्रेशनर खाओ, दिमाग खराब है लेट स्माइल पे आओ, एक नंबर मजा आ जाएगा ब्लू। तो मैं यहाँ करूँगा लल्लू का इंतजार, वैसे उसे अभी तक तो आ जाना चाहिए था, फिर उसकी कार में बैठ के इरेंगल चलेंगे ब्लू। तो मुझे 15 मिनट हो गए इंतजार करते हुए, पर वो घूंगा की औलाद अभी तक नहीं आया। बोल रहा था 15 मिनट पहले आ जाऊँगा, ऐसे लोगों के जीवन में आग लगा देना चाहिए ब्लू। कितनी खटारा कार है इसलिए इतना टाइम लगा होगा। साले से बोल रहा हूँ एक नई कार ले ले, पता नहीं पैसे छाती पे लेके मरेगा। और मियाँ भाई क्या हाल है? तेरी कार से तो अच्छे ही है। क्या यार मियाँ भाई, हमेशा मेरी कार की बुराई करते रहते हो। क्या करूँ, मेरे मुँह से सच्चाई निकल ही जाती है। धातर गिड़दा। बड़ो बस यहीं रोक दे, बस यहीं। हाँ आखिरकार हम इरेंगल के स्कूल में आ ही गए। मियां भाई ओ ओ ओ मियां भाई अपना प्यारा स्कूल पबजी का ओ ओ ओ तो मैंने और लल्लू ने पूरा स्कूल छान मारा, पर ससुर एक आइटम तक नहीं मिला। सोचा था यहाँ आके एनर्जी ड्रिंक पीऊंगा, पर देखा तो यहाँ कुछ है ही नहीं। BPPL हो गया। BPPL मतलब भूखे पेट पे लात। मियाँ भाई अपन गेम खेलने थोड़ी आए जो लूट मिले, अपन तो घूमने आए। रूफ टॉप पे लैंड करने के मिशन के चक्कर में उतरते सी मर जाता था, क्योंकि मेरा मोबाइल तसलो में उतरता था, आखिरी में पूरे केडी की एसी की तेजी हो जाती थी। मेरे को तो एक बार उतरते सी M416 और AKM मिल गई थी। अम्मा कसम मियां भाई, अम्मा की कसम, तुम मानोगे नहीं, 19+-1 सेकंड में 10 बंदों को निपटा दिया। तो मुझे तो लोकेशन भी याद है, एक चमन चिंपांजी स्क्वाड वहां उतरी थी, एक डुओ डफर वहां उतरे थे, 3 लोगों को तो हवा में हेवन पहुंचा दिया था, और एक को नॉकआउट करके उससे बात करी तो पता लगा वो अपनी स्क्वाड को अनफॉलो करके इधर आया था और उतर मर गया। ये तो कुछ भी नहीं, मैंने तो बूट कैंप में एक स्क्वाड को हवा में ही ग्रेनेड से उड़ा दिया था। मियाँ भाई अब तुम फेंक रहे हो। मैं नहीं फेंक रहा, तू फेंक रहा था ब्लू। मैं नहीं फेंकता, पड़ी है उस गेम की रिकॉर्डिंग, दिखा दूंगा, तुम भी दिखाओ तो मानू। मैं नहीं करता रिकॉर्डिंग। हाँ क्योंकि तुम तो फेंकते हो। अब हम जा रहे हैं पोचिंग की, पबजी का कुरुक्षेत्र, फिर जाएंगे नोबो डब्बो का शहर। मियाँ भाई कितना पाद रहे हो यार, तुम फ्रेश होके नहीं आए थे क्या? अरे ब्रो कल रात कुछ उल्टा सीधा हेवी खा लिया था तो पेट में गुड़गुड़ 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 हो रही है। इस कार से भी खटारा कार है तेरी। क्यों इन्विनिटी वैन में कोई एक्टर वगैरह रहता है क्या? क्या पता, सारा विक्टोरिया कार्लो रहते हो। पुराने इरेंगल की तो बात ही अलग है ब्रू। इस केनाल में हमेशा मेरी कार फंस जाती थी, ऐसी गुस्सा आती थी, पता नहीं पूछो मत फिर। और ये देखो बीच रास्ते में टावर खड़ा कर दिया, कोई एनिमी को चेस कर रहे हो तो कार इसमें टकरा जाए। मियाँ भाई सही बात तो ये है, तुम्हें खेलना नहीं आता। हाँ जैसे खुद ने तो पोचिंग की में बैठ के जियोर्जो पुल के बंदे मार रहे हैं। इस घर में तो मैं शुरू में कंफ्यूज हो जाता था, समझ ही नहीं आता था साला चढ़ना कहाँ से ऊपर।
इंतजार में मैं मर जाएगा। पबजी इंडिया कब आएगा? जल्दी होगा गेम ऑन। गेट टू द सेफ जोन। चुपचाप छुप जा इन द शेड। बच के रे एनिमी से। जब भी अपना मुंह खोले हर दिल की धड़कन बोले जय पबजी। जय पबजी ब्लू। जय पबजी। ऊपर सीधे ले चल पहले, ऊपर सीधे सीधे घाटी पे। हाँ घाटी पे ले चल, मस्त पूरे मैप का शॉट आएगा, मजा आ जाएगा ब्लू। तुम पगला रहे हो का? आगो उतने ही जितना फ्लश हो सके। कार देख रहे हो, चढ़ पाएगी? तू आग लगा दे तेरी कार में, इससे अच्छा तो मैं अपनी साइकिल से आ जाता। वो भी नहीं चढ़ पाती। तू कार तो चढ़ा, चढ़ जाएगी, ट्राई तो कर। तुम मानोगे नहीं। पीछे जा रहे, पीछे पीछे जा रहे, कहाँ फंसवा दिया यार। चढ़ गई, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जरा से भी पीछे चली जाती तो नापन ना ये कार होती। तुम्हारी सोच इतनी बेकार क्यों होती? अच्छा अच्छा नहीं सोच सकती वो हबीबी ब्लू। लो आ गए डब्बों के शहर में। भाई छलांग लगाते हैं डब्बों पे, देखते कौन कितनी दूर लगा पाता है। तू ही लगा, मेरे हाथ में तो मोबाइल है। तो रख दो जेब में, हर चीज का ब्लॉग बनाना जरूरी है क्या? हफ्ते वक्त में मोबाइल ले जाते हो क्या लेटरिंग में? हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। मैं टॉयलेट में बैठा हूँ, सांसे जाए अटक अटक, लेटरिंग जाए टपक टपक। यार ब्लू, तेरे चक्कर में जेब में रखा रह गया मोबाइल, व्लॉग ही बनाना भूल गया नोवो का, इतने अच्छे अच्छे मूवमेंट छूट गए। अब तुम बादाम नहीं खाते तो मैं क्या करूं? और ये आरसी खान की तरह रोना बंद करो छोटी छोटी चीज के लिए। तो अब हम जा रहे हैं एंड ऑफ इरेंगल पे, यानी जहां इरेंगल खत्म होता है। ये रहा एंड ऑफ इरेंगल। तो ब्लॉग होता है यही खत्म, मिलते हैं अगली वीडियो में। हम सोच रहे हूँ आगे फ्यूचर ब्लॉग में लॉस सैंटोस जाऊं फ्रैंकलिन से मिलने, क्या बोलते हो मियां भाई? कंप्यूटर के सीखते सी हो जाएगी तुम्हारे ब्लू।